तमाम हिंदी प्रदेशों को जो इन्होंने इस प्रकार की भद्दीवाद गालियां दिया है और ऐसे लोग जातिवादी घृणित वातावरण और नीतीश कुमार चुप है, ये अभी तो हाफ हुए हो, अगले बार साफ हो जाओगे। क्या डीएमके के सांसद का बयान आया है कि गौमूत्र वाले जगह पे राज्यों में ही भाजपा की जीत होती है? देखो ऐसे लोग अभी भी नहीं चेते हैं जो सनातन धर्मावलंबियों को, जो भारत की पुरातन संस्कृति को का अपमान करते हैं। गौ, गंगा, गीता और गायत्री ये भारत की मूल संस्कृति है। गौमूत्र का यह कह करके बिहार और ऐसे तमाम हिंदी प्रदेशों को जो इन्होंने इस प्रकार की भद्दी बात गालियां दिया है, ये पूरी तरह से अमर्यादित है। उन्हें सदन में भी आज हम लोगों ने कहा तुम्हें माफी मांगना पड़ेगा, चुपके से नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से तुमने गलत बात बोला। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लोग इसी प्रकार के हताशे में बयानबाजी, पहले भी सनातन धर्मावलंबियों का अपमान हो रहा था और आज फिर से कर रहे हैं और ये चुप है। कोई बोलता है डीएनए की बात करता है, आपने देखा वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हैं, वो बिहार के और एक विशेष विरादी, कुर्मी विरादी का कह करके डीएनए की बात कहा। ये बिहार का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश का अपमान। और ऐसे लोग जातिवादी घृणित वातावरण और नीतीश कुमार चुप हैं, चुप लगाए हुए हैं। ये कैसा है, कैसी दोस्ती है, ये कैसा कांग्रेस के साथ सांठगांठ है। ये अभी तो हाफ हुए हो, अगले बार साफ हो जाओगे, सबके सब साफ हो जाओगे। नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है, सुनो खामोश। वो खामोश इसलिए जो देख रहे हैं जनता पूरी तरह से उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई सामने देख, और इसलिए आने वाले दिनों में ये सब लोग हाफ जो है अब पूरी साफ हो जाएंगे। और 2024 में ये सुन लीजिए, ये घमंडिया जो गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन आपस के अंदर ये सारे ठगबंधन जो है आपस में चकनाचूर हो करके कोई बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे और कोई नेपाल की तराई में। 17 तारीख को विपक्ष की बैठक है सर, 17 को बैठक है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि देखो 6 को बैठक थी, अब 17 की बैठक हो, इनके बैठक और उठक से क्या होगा। ये सबके सब प्रधानमंत्री के एक कुर्सी का दावेदार रहते हैं, अब तो इनको जनता ने पूरी तरह से सबक सिखाया है, जो सनातन और हिंदू धर्म का करेगा अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है। अरे फूफा जी आए, रूस बॉस के आए थे बंगलोर से मड़वा पर, अभी कोहबर में है, पता नहीं कहाँ है फूफा जी, कोहबर में है, कहाँ किस गली में छिपे हुए हैं। अब फूफा जी मुंह फुलाए बैठे हैं, इनको फिर चाहिए कि कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। 24 में नरेंद्र मोदी ही जनता के आशीर्वाद से भारी मतों से अब की बार 400 पार।